हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूँ। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूँ इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे एमपीएड, एमएड और हमारे बीपीएड, इनके एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल तक अपना एग्जाम फॉर्म आप भर सकते हैं। 4 अप्रैल के बाद में जो डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की, वो आगे शायद ना बढ़े। तो यदि आप भी एमएड, एमपीएड और बीपीएड कर रहे हैं तो अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर लीजिएगा। इससे आगे बात करें जो हमारे बीएड के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं एग्जाम फॉर्म, तो बीएड सेकेंड ईयर के लिए जो एग्जाम फॉर्म भरने की डेट है उसको बढ़ाकर 5 अप्रैल कर दिया गया है। 5 अप्रैल तक आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं बीएड सेकेंड ईयर के लिए। यदि आप बीएड के लिए एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसकी जो डेट है वो 5 अप्रैल हो गई है, तो 5 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे आगे बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमारे प्राइवेट के लिए फॉर्म भरे गए हैं, प्राइवेट फर्स्ट ईयर के लिए जिनको कॉलेज अलॉट होने हैं, तो उनके कॉलेज अलॉट हो चुके हैं, वो अपना प्रिंटआउट निकाल के, फाइनल प्रिंटआउट निकाल के कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो कॉलेज में जो सबमिट करने की डेट है वो 1 अप्रैल तक कर सकते हैं। 1 अप्रैल से पहले पहले आप अपना फॉर्म कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अपना एग्जाम फॉर्म भरा है, चाहे वो आपका रेगुलर के हैं चाहे वो आपके प्राइवेट के हैं, तो उनको भी 1 अप्रैल तक अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कराना है कॉलेज में। तो यानी कि फॉर्म तो फिल हो गया है, उनको डाउनलोड करके जो कॉलेज में सबमिट कराना है वो आपको 1 अप्रैल तक कराना है। 1 अप्रैल तक डेट है, तो 1 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म जो है कॉलेज में सबमिट कराना है। अब इससे आगे बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमारे एग्जाम होने हैं एनुअल एग्जाम, उनकी डेट शीट आ चुकी है। वो हमारी जो डेट शीट है वो है 10 अप्रैल से आपके एग्जाम होने सुनिश्चित हुए हैं। लेकिन यदि पंचवर्षीय चुनाव को देखा जाए, उसके मध्य में पंचवर्षीय चुनाव आ रहे हैं, काफी सारे जो पेपर हैं वो उसी डेट में है जिस दिन चुनाव है, तो हो सकता है कुछ परिवर्तन डेट शीट में किया जाए। अभी वही डेट शीट है आपकी जो डेट शीट आई है, हो सकता है परिवर्तन किया जाए। यदि परिवर्तन होता है तो वो बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा। जो परिवर्तन है, जो डेट शीट चेंज होती है, तो वो आपका 1 या 2 अप्रैल तक, 3 अप्रैल तक डेट शीट चेंज हो जाएगी यदि होती है। यदि नहीं होती है तो उसी सेम डेट पे आपके एग्जाम होने वाले हैं। आपको अपना तैयार रहना है, जो अभी आपकी डेट शीट है वो आपके एग्जाम 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, जो एनुअल एग्जाम होने हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।